हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी बज रहे हैं वैसे तो शाम के 6:20, बट लेकिन गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि मैं सुबह आप लोगों से मिल नहीं पाई थी और मैं उठी भी लेट हूँ, 1 बजे के आसपास उठी थी। तो उसके बाद मुझे देखो, मुझे लगा बहुत लेट हो गई मैं, तो फिर मैंने फटाफट से अपने मतलब एक रील बना ली इंस्टा पे जो मुझे प्लॉट करनी थी, और उसके बाद मैंने फटाफट से अब व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो बताओ आप क्या कर रहे हो, कैसे हो? तो आपको पता ही है मेरी तबीयत खराब थी काफ़ी दिन से, इसलिए मैं ब्लॉगिंग अच्छी कर नहीं पा रही थी। तो अभी मुझे आज मतलब कि थोड़ा मैं बेटर फील कर रही हूँ, पहले से काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो बताइए गाइस, कैसे हो आप सब और आज क्या क्या किया आप सब ने? तो गाइस, मैं अपनी बता दूँ तो मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ अपनी इंस्टा पे एक रील बनाई है, तो बस उसी को लेके थोड़ा सा खुश हो रही थी। बाकी आप लोग बताओ। तो गाइज, एक बात मैं आपको बताऊं कि लेंस के बारे में जो मैं बात कर रही थी ना, कि इंसानों को, कोई कोई इंसानों को भगवान इतने प्यारे प्यारे लेंस दे देते हैं आंखों के कि वो एकदम से उनके लिए माइंड ब्लोइंग, दूसरा बंदा देखेगा ना उसका तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग हो जाएगा। तो ऐसे मतलब काफी लड़कियां भी होती है बहुत, मतलब बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही प्यारी उनकी आंखें, भगवान उनकी आंखें इतनी प्यारी बनाते हैं कि स्मार्ट भी उन्हें बना देते हैं और हेयर भी बड़े बड़े लंबे लंबे दे देते हैं और इंसान को स्लिम फिट भी बनाते हैं। और आंखों का तो पूछो ही मत, किसी की ब्लू, जैसे ऐश्वर्या राय मैम है, उनकी ब्लू, उनकी थोड़ी ब्लू ब्लू सी और ब्राउन ब्राउन कुछ ऐसे में आइज़ है उनकी, और जैसे मंदाकिनी मैडम की तो पूरी ब्लू आइज़ है। तो आपने देखी है, तो गाइस कितने खूबसूरत होते हैं वो लोग। और जैसे कि करिश्मा कपूर मैडम है, उनकी ग्रीन आइज़ है बिल्कुल। तो हर एक इंसान के ना अलग अलग आइज दे, लेकिन हर एक को नहीं मिलती वो ना, गॉड गिफ्टेड होता है जो हर एक के पास नहीं होता। तो अब देखो, मेरे को इंस्टा पे लेंस लगाने पड़ते हैं क्योंकि मैं मंदाकिनी मैडम जैसी दिखती तो हूँ, बट मुझे लेंस लगाने पड़ते हैं, उनका न्यू लुक क्रिएट करती हूँ। बाकी मैं पूरी मतलब पूरा लुक क्रिएट कर लेती हूँ गाइस, पर लेकिन मुझे ना उनके जैसी आंखें नहीं मिली है, तो इसलिए मैं आंखें में बनाती हूँ, बनाने का मतलब कि लेंस लगाती हूँ, तो मेरा परफेक्ट लुक आ जाता है जैसा कि मुझे चाहिए। तो मम्मी भी आ गई है, काफ़ी देर की आई हुई है मम्मी। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि यार मैं बहुत मतलब कि लेट उठी थी और फिर मुझे नहाना भी था, फिर काफ़ी सारे काम थे, तो पहले मैंने वो कर लिया, उसके बाद में सोच रही आप लोगों से बात करूँ। तो मैं आपको डेली की रूटीन नहीं दिखा पा रही हूँ गाइस, उसके लिए सॉरी। शायद हो सकता है मैं कल से डेली रूटीन दिखा दूँ। तो आप लोग बताओ, इस टाइम चाय वाय तो यार इस टाइम कौन पीता है, बट हाँ मैंने पी है क्योंकि मैं लेट उठी थी और फिर उसके बाद। तो गाइस, कई दिनों से तो मैं अपनी बालकनी में भी नहीं गई हूँ बाहर, कि मैं बाहर का मौसम जाके देखूँ कि बाहर का मौसम कैसा है कैसा नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं देखा है गाइस, कुछ भी नहीं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा देख लेती हूँ बाहर जाके, क्योंकि घर ही घर में इंसान पागल हो जाएगा, बोर हो जाएगा बिल्कुल। और मेरे से तो ना सच बताऊँ, मेरा मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा है, अजीब अजीब सा फील हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बाहर घूम लेती हूँ, बट बाहर इसके साथ जाऊँ कोई है नहीं अभी। मम्मी है, मम्मी किचन में गई है काम करने के लिए, कोई देखते हैं गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से बाहर जाकर। तब गाइस राशि आ गई है, मैं अभी आपको बता रही थी कोई भी नहीं था, लेकिन अब राशि आ गई है तो मैं आपको इससे मिलवाती हूँ। तो देखो, ये लड़की इतनी थकी हुई है ना, जिस काम से आई थी फटाफट आए, ड्रेस भी चेंज कर लिया इसने, और लड़की आ गई इतने आराम से लेट के ना, ऐसी ऐसी बातें सुना रही जैसे पता नहीं कितनी बड़ी दुखिया है। मैं थक चुकी हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं चाहती हूँ पिज्ज़ा खाना, पर अभी देखते हैं मम्मी खिलाएगी यानी, क्योंकि मम्मी ने कल परसों ही मुझे पिज़्ज़ा खिलाया है, और दाल चावल खाने का मन है, तो दाल चावल खाने की देखते हुए मम्मी से बोलते हो, अगर मम्मी बनवाएगी तो ठीक है, नहीं तो वही आलू गोभी बैंगन यही खाने पड़ेंगे और कुछ नहीं। और मैं पढ़ाई करके आ चुकी हूँ। क्या लेके आए हो? आलू बैंगन की सब्जी। आलू बैंगन की सब्जी, ये भूखी मर रही है मम्मी, राशि को खाना खिला दो। ओए होए, कितनी एटीट्यूड दिखा रही है। आलू बैंगन की सब्जी दिखाना, देख रहे हैं तो अच्छी लग रही है। ले आ जा, तू आ जा पहले। ओए होए, गोरी फिल्टर लगा दू, गोरी दिखे जो तू। पापा सो रहे, तंग मत कर। बस यार गर्मी आ गई हकीकत में।
ये ना वो है चोखा, पता नहीं कितना हो रहा है। यार दाल चावल बिहारियों की बात नहीं है, ये ना अपने हिंदुस्तान का खाना है। कभी कभी खाने चाहिए दाल चावल। साड़ी पहनी मेरे को एक नंबर मिल गया साड़ी। चैट में बेइज्जती करती है बता। तेरी कसम भाई बड़ी ऐसे लगती है क्या ना इंटेलिजेंट। तो आप क्या मम्मी बेवकूफ तो फूल नजर आती है। पता क्यों सुबह ना 5 बजे 6 बजे तू जब खाना पीना बना रही थी 4 बजे मैं उठी थी तेरे को देखने। तू 3:30 बजे उठी थी फिर सो गई थी। मैंने फिर दोबारा उठी 6 बजे देखा मैंने वो साड़ी पहन रखी है जो ये घूम रही साड़ी को लेके झाड़ू लगाती हुई लगाती नहीं ऐसे करके चल रही थी मैं। फिर मैंने कहा यार लग तो बड़ी सुंदर सी रही आज तो मम्मी क्या कर ली है मैंने राशि तो ऐसे बेइज्जती क्यों मार रही कह रही आज तो बड़ी सुंदर और क्या दिन मम्मी बेकार सी लगती तेरे को। अरे आज मैंने फेयर एंड लवली लगाई थी ना भाई इतने दिनों में ऐसा नहीं है कोई कोई अच्छा लगता है। और तूने मेरे आगे तो भैया पहने साड़ी नहीं तो तेरे ने सूट ही पहन रही थी मतलब जब से तू पैदा हुई जब से मम्मी सूट ही पहन रही है। नहीं ये बात नहीं है। तो फिर तूने आज पहली बार कैसे देखी है। मैंने पहली बार इसलिए देखी जब मैं छोटी थी ना जब पहनती थी मम्मी साड़ी और एक बार जब मैं आई थी यहाँ सोनिया वाले मकान में। अच्छा जब कल भी देखी साड़ी में कल भी साड़ी पहन ली पापा पे होते तभी देख ले पापा कैसे बेचारे लेटे हैं। जो हैवी रहे ना ड्यूटी पे वो भी मुझे बहुत इज्जत करने लग गया बहुत मारने लग गया। अच्छा आज मेरी मम्मी लेके आई हलवा और चने प्रसाद राधा रानी का तो बोलो राधे राधे शाम मिला दे। वाह भाई वाह राधे राधे शाम मिला दे जय तारा राधे रानी का दाल चावल खिला दे साचे दरबार जय। तेरे को अकल नहीं है क्या मम्मी बोल रही जयकारा तो कह रही दाल चावल खिला दे। क्या दाल चावल खाओ प्रभु के गुनगाओ दाल चावल खाओ राशि के गुनगाओ। ए जा राशि राशि तो कुछ झाकी कौन बोलता है रिंकू तू लाला झाकी का मतलब क्या होता है तू ऐसा क्यों कर देती जो तुझे हम झाकी बोलने लग गए। मैं काली माता बनती थी इसलिए तो तेरे को पता है ये बोलती कि मेरे को झाकी देखने जा रहे हैं इसलिए इसका नाम ही झाकी निकाल दे जहाँ पे भी झाकी निकलती गई थी। गाइस मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ा बाहर की तरफ घर ही घर में बैठे बैठे बोर हो गई थी बहुत ज़्यादा तो मैं बाहर आ गई हूँ घर के और मौसम देख ही सकते हो अच्छा हो रहा है शाम का तो सबको ही पता है मौसम बढ़िया ही रहता है। ये पेड़ पौधों को पानी दिया था और देखो गाइस टमाटर भी आ गया तो इसलिए यहाँ से गीला भी हो रहा है क्योंकि पेड़ पौधों को पानी दिया था ना। तो मैं बाहर आ गई थी थोड़ा सा घूमने के लिए अंदर बैठे बैठे बोर हो गई थी बहुत ज़्यादा तो यहाँ की साइड भी मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ बाहर की साइड अंदर ही अंदर की हुई थी अच्छे तबीयत ख़राब थी। कल हमारे रूम में छिपकली घुस गई थी ज़्यादातर तो मैं इसलिए भी नहीं आती यहाँ पर। बाहर का मौसम भी अच्छा ही हो रहा है गाइस बहुत बढ़िया शाम का 6-7 का टाइम हो रहा है तो मैं अंदर जाती हूँ थोड़ी देर क्योंकि बाहर भी ऐसे अकेले अकेले बंदा बोर ही हो जाता बट मैं फिर भी आ गई काफ़ी दिन में आई थी। चलो तो गाइस हम लोग उठ गए हैं और अभी बन रही है चाय तो अभी उबली भी नहीं है अभी तो चाय। तो बाहर का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है आज सुबह सुबह तो
पेड़ पौधों को देखने के बाद तो और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि हर हरा भरा देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी तैयार हो रही है गाइस, नहाकर आ गई है मम्मी। और ये देखो आज मम्मी ने दूसरी साड़ी डाल दी है, अच्छी लग रही है साड़ी भी, सुंदर लग रही है। राशि सो रही है, उसकी छुट्टी है, आज भी नहीं जाना था उसे और कल भी नहीं गई थी। हाय गाइस, कैसे हो? अब बस मेकअप कर लो फेस का। तो गाइस हम मिलते हैं चाय टाइम पे, यानी कि नाश्ते टाइम पे। गाइस हम आ गए हैं, अब चाय पीने के टाइम आ गया हमारा, अब हम चाय पी लें। तो मेरी ना एक आदत है, मैं आपको बता दूँ, जब तक मैं मतलब हाथ मुँह धोकर चाय ना पी लूँ ना, तब तक मुझे ना सब्र नहीं आता। उसके बाद फिर मैं नहाने धोने के बाद फिर नाश्ता कर लूँ, वो अलग बात है। लेकिन एक बार एक बंदे को मतलब कि एक आदत सी होती है कि जब तक वो बंदा उठे ना और उठते के साथ उसे चाय ना मिले ना, तो पूरा दिन काटना मुश्किल लगता है। तो वो सीन है मेरे।